हेलो फ्रेंड्स, इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज जीके मैथ पार्ट 4 के माध्यम से आपको डिवीजन के क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आप डिवीजन के मेथड को समझ गए होंगे। इसमें जो है कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखें और इसका अध्ययन करें ताकि कंपटीशन में आप डिवीजन के क्वेश्चन को आसानी से कर सके। डिवीजन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है मिलता है कि 3, 4, *1, 2, 5 में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि यह 3 से विभाज्य हो जाए। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन करता है। फर्स्ट में कहता है कि छोटी सी छोटी, और दूसरा क्वेश्चन करता है कि बड़ी से बड़ी, यानी कि कौन सी छोटी संख्या स्टार के स्थान पर रखा जाए कि यह जो है 3 से डिविजिबल हो सके, या कौन सी बड़ी संख्या यहाँ रखा जाए कि 3 से डिविजिबल हो सके। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन में इसके कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तभी होता है जब इसके सारे डिजिट का समेशन जो है 3 से डिविजिबल हो, यानी कि इसके सभी अंकों को अगर जोड़ने को वह 3 से विभाज्य हो जाता है तो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। तो आइए हम इसको एड करते हैं। 3 + 4 + 1 + 2 + 5 = 3, 4, 7, 7, 1, 8, 8, 2, 10, 10, 15। हम देख रहे हैं कि 15 ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, अतः यहाँ पर कम से कम हम 0 ऐड कर सकते हैं ताकि 15 रहे और 15 जो है 3 से डिविजिबल है। अर्थात छोटी से छोटी संख्या हमसे पूछा जाए तो हम इसका जवाब दे सकते हैं 0। अधिक स्टार की जगह पर 0 रख देने से ये संख्या जो 3 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन बड़ी से बड़ी पूछेगा अगर, तो इसमें जो है हम 3 ऐड करते हुए चलेंगे जब तक कि 2 अंक की संख्या मिल ना जाए। 3, 3, 3, 6, 3, 6, 9, 3, 9, और 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 2 डिजिट है जबकि यहाँ पर 1 प्लस है, इसलिए यह जो है अमान्य हो जाएगा। हमारा बड़ी से बड़ी संख्या क्या मिल रही है, 9। तो छोटी से छोटी 0 और बड़ी से बड़ी 9 हम जो है स्टार के स्थान पर रख सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन डिवीजन का मिलता है कि 5, 2, *3, 1, 5 में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि यह 9 से विभाज्य हो सके। तो इस क्वेश्चन को साफ करने के लिए हम करते हैं क्या कि हम फिर विभाज्यता के नियम से सोचते हैं कि ये संख्या जो है 9 से तभी विभाज्य होगी जब इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। तो इसके अंकों को ऐड करेंगे, 5 + 2 + 3 + 1 + 5 ऐड करने को हमें मिलता है 5 × 2 = 7, 7 × 3 = 10, 10 × 11 = 16। 16 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हम सोचेंगे कि इसमें कौन सी नंबर ऐड किया जाए कि 9 से डिविजिबल हो सके। तो 2 ऐड कर देने पर 18 हो जाएगा जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अतः हम स्टार के जगह पर क्या रख सकते हैं, 2। हमारा जवाब होगा कि हम स्टार के जगह पर 2 रख देंगे तो ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन इसमें बनता है कि 5, 2, *3, 1, 8 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए कि यह 11 से
विभाज्य हो जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है जिसके माध्यम से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया सकते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए 52*318 को हम लोग देखेंगे और एक अंक छोड़ करके एक अंक पर कैप बना लेंगे और जो डिजिट नीचे छूट जा रहा है उस पर नीचे से कैप बना लेंगे, ऊपर वाले नंबर को ऐड करेंगे 83111213 ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, नीचे वाले संख्या को ऐड करेंगे 5+*+1 6+*। अगर 6+* इससे बड़ा आता है तो बाएं लिखेंगे लेफ्ट साइड में, अगर छोटा आता है तो दाएं लिखेंगे। तो 6+* छोटा होने के कारण दाएं साइड में लिख लेंगे 6+* ब्रैकेट में क्लोज। अब इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में माइनस का चिन्ह भरते हुए सोचना है कि ये कैसे शून्य प्राप्त होगा। अगर यहाँ शून्य हम ले आ सकते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा, अगर शून्य नहीं ले आ सकते हैं तो 11 लाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, 13 में से 13 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ सकता है, तो यहाँ 13 करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा 7, अतः स्टार की जगह पर 7 रख देने से ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो मैं आशा है तीन क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गए होंगे जो स्टार से संबंधित रहता है और ये डिवीजन के क्वेश्चन जो है कराते हैं। तो आइए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या चीज पूछा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है उत्तरोत्तर भाग का सक्सेसिव डिवीजन, कहता है कि किसी संख्या में 5, 7, 6 से भाग देने पर 3, 2, 5 शेष बचता है। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए यानी इन्वर्स कर दिया जाए उलट दिया जाए तो क्रमशः क्या शेष बचेगा। इसको कहते हैं उत्तरोत्तर भाग। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम लोग ट्रिक अपनाते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं और 5 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, 7 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है और 6 से भाग देने पर 5 शेष बच रहा है। तो हम इस तरह जितने भी नंबर देगा इधर जो है डिवाइजर और इधर जो रिमाइंडर लिख लेंगे और लास्ट में यहाँ 1 अपने मन से लिख लेते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह और यहाँ योग का चिन्ह लिख करके गुणा का चिन्ह योग का चिन्ह गुणा का चिन्ह और योग का चिन्ह और ये तीर के अनुसार जो है चलते हैं। देखिए 6, 1 जा 6 और 5, 11, 7, 77, 77 to 79। अब 5 × 79 करना है और 3 को ऐड करना है। तो आइए देखिए 5 × 9 = 45, 5 × 7 = 35, 35 × 4 = 39 और प्लस 3 ऐड करेंगे तो 398 हो जाएगा। इस तरह से वो नंबर हम पता कर लिए कि किसमें जो है वो भाग देने की बात कर रहा था। अब जो है 398 में हम जो है इनवर्स यानी कि पहले 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर को पता करेंगे 6 × 6 = 36, 3 × 6 = 36, 2 हमारा पहला रिमाइंडर बच गया 2। अब ये जो यहाँ पर कोटिएंट प्राप्त हुआ है हम इसमें डिवाइड करेंगे इस सेकेंड नंबर 7 से, 7 × 9 = 63 हमारा सेकेंड रिमाइंडर आ गया 3। अब इस 9 में डिवाइड करेंगे हम इस 5 से, 5 × 1 = 5 रिमाइंडर 4 यानी कि हमारा आंसर आ गया 2, 3, 4। इस क्वेश्चन को कहते हैं उत्तरोत्तर भाग का प्रश्न।
हमें आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से इसको इस तरह से कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे हल करेंगे? इस डिवीजन के क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य हो जाए क्या होगी या कौन सी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे अगर तो हम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं 9 9 9 9। ये बताइए हमारा आंसर जो है इससे अधिक तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर 1 भी इसमें ऐड करते हैं तो ये 5 अंक की संख्या बन जाएगी। इसलिए हम इसमें से कुछ घटा सकते हैं लेकिन जोड़ नहीं सकते हैं। तो पता करेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या घटा दे कि ये 13 से डिवाइड हो सके। तो इसके लिए 13 से डिवाइड करेंगे, 13 7 91, ये हो गया 8, ये 9, 13 6 78 119, 13 9 117 2। हम देख रहे हैं 2 इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये नंबर जो है 13 से डिविजिबल हो जाएगा, अतः हमारा आंसर हो जाएगा 9 9 9 9 -2, यानी कि 9 9 9 7, ये हमारा रहा आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछता है कि 4 अंकों की छोटी संख्या क्या है जो 13 से विभाज्य हो सके। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो इसको हल करने के लिए हम इस प्रकार से करते हैं कि हम जो है 4 अंकों की छोटी संख्या सबसे पहले लिखते हैं, जो कि आप समझ रहे होंगे 1.000 लिखते हैं। तो हमारा आंसर इससे अधिक आ सकता है लेकिन कम नहीं, क्योंकि अगर 1 भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 3 डिजिट की हो जाएगी। अतः हमें सोचना है कि इसमें कौन सी नंबर जोड़ दिया जाए कि 13 से डिवाइड हो सके। तो इसके लिए हम 13 से डिवाइड करेंगे, 7 91 9, ये जो है 9 हो गया। अब देखिए इसमें जितनी बार डिवाइड आप कर सकते हैं उसे जानबूझकर 1 बार अधिक डिवाइड हम लोग करते हैं, जैसे 6 बार हो रहा है तो 7 बार 91। हम देख रहे हैं कि नीचे अधिक हो गया ऊपर कम, नीचे से ही ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 में से 0 गया 1, 9 से 9 कट गया। अगर इसके पास 1 और रहता तो इस नंबर 13 से डिवाइड हो जाता, अतः हमारा आंसर हो जाएगा 1000+1 1001। ये रहा वह नंबर जो 4 अंकों की सबसे छोटी है और 13 से डिविजिबल है। तो मैं आशा है ये नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद से इस क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है डिवीजन के हैं और ये क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो हमें आशा है कि डिवीजन के क्वेश्चन आपको फंसेंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एक क्वेश्चन मिलता है कि 2513/25+3121/125 = ? तो पिछले वीडियो में आपसे इसके बारे में जान चुके हैं कि कैसे जो है 25 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, 125 से देते हैं। तो हमें ट्रिक याद है
कि 25 से डिवाइड करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और दो अंक जो है दशमलव लगाते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 1 5, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10 और 2 प्लस यहाँ डेसिमल हो गया। इसी तरह से इसमें आइए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 डिजिट डेसिमल लगाएंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 9, 8 3 जा 24, 3 डिजिट डेसिमल। अब इस जोड़ने का नियम आप इसके पिछले वीडियो में आप सीख चुके हैं कि कैसे जो है दशमलव नंबरों को जोड़ा जाता है। इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है दशमलव के बाद, इसलिए एक जीरो अपने मन से बढ़ा लेंगे और जोड़ेंगे 8 0 8 6 2 8 9 5 14 5 1 4 1 5 5 0 5 2 1 2 0 2 और ये हो गया आपका 125.488। इस तरह से आप ये जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। मुझे आशा है ये सारे नियम आप समझ गए होंगे। अब जो है फिर आप से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें जो है आपको इससे आगे के मैथ को बताया जाएगा, जिसमें आपको वर्गमूल ज्ञात करने की विधि और वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन यानी कि स्क्वायर स्क्वायर रूट और उसके क्वेश्चन जो है बताए जाएंगे। अतः आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको तक नेक्स्ट वीडियो प्रारंभ मिल सके। धन्यवाद।